वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ 12th चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड 6th. एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ 12th चैप्टर इज अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो बच्चों, अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में 12th चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस का सब टाइप है, राइट? तो ये क्या है, ये इस चैप्टर में देखेंगे. द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वी वन आई एन जी इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग और हैज ओनली जस्ट फिनिश्ड. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अपने कब यूज करेंगे? जब कोई एक्शन, कोई काम है वो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी कंटिन्यू है, या फिर जस्ट अभी अपने बात करें तो अभी वो खत्म हुआ है, तब अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करेंगे. और इसको यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में? तो पहले हैज या हैव आएगा, सिंगुलर हो तो हैज, प्लूरल हो तो हैव. उसके बाद बीन लिखेंगे और उसके बाद वी वन प्लस आई एन जी लिखेंगे. तो ये समझ में आ गया? ओके. तो ये कैसे आएगा देखो, लेट्स शो इट इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम. डायग्राम में दिखाते हैं कैसे, कि ये पास्ट टेंस है. ओके, तो पास्ट टेंस में शुरू हुआ है और ये अभी जब अपने बोल रहे हैं तब खत्म हुआ है, या फिर अभी भी कंटिन्यू है. ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 6 years. चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. तो हैज आया, बीन आया और वी वन के साथ आई एन जी फॉर्म आ गया. फिर हैव आया, बीन आया, वी वन के साथ आई एन जी फॉर्म. और देखो, ये कंटिन्यू वाला है और ये पास्ट में शुरू हुआ था और अभी जब बोल रहे तब खत्म हुआ है. तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? बोल रहे उसके बाद भी कंटिन्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे ये फुल स्टॉप आ गया, खत्म हो गया. यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 10 hours. तो ये आ गया, पर क्या कह रहे कि 10 घंटे से आप सो रहे हो, अब जाग जाओ. तभी खत्म हो गया. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. तो मैं 2 घंटे से राह देख रहा हूँ, पास्ट टेंस हो गया, पर अब आ गया है, तो अब राह नहीं देखनी है, तो खत्म हो गया. तो ये भी हैव प्लस बीन प्लस वी वन आई एन जी. और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 6 years, यानी कि 6 साल से रह रहे हैं पर अभी भी रहेंगे. तो ये भी कंटिन्यू है, तो यहाँ पे कंटिन्यू है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी आएगा. अब देखो क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वी यूज द टेंस व्हेन वी डू नॉट सजेस्ट ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट. अवर फोकस इज ओनली ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द प्रेजेंट. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें अपने पास्ट टेंस का नहीं देखते कि कब से शुरू हुआ है या कितने टाइम से शुरू हुआ है. अपना फोकस किस पे होता है कि अभी तो वो कंटिन्यू है ना, एक्टिविटी अभी तो चल रही है, वही देख रहे हैं. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, वी यूज द टेंस व्हेन अवर फोकस इज बोथ ऑन ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट एंड ऑन कंटिन्यूटी इन द प्रेजेंट. यानी कि इस दोनों में क्या है फोकस, कि कितने लंबे टाइम से चालू है पास्ट का भी देखते हैं और अभी कंटिन्यू है वो भी देखते हैं. इसमें सिर्फ यही देखते कि कंटिन्यू तो है, पास्ट का नहीं देखते, पर इसमें पास्ट का भी देखते हैं कि कितने टाइम से शुरू है. जैसे कि ही इज लाइंग ऑन द फ्लोर, अभी है, ही हैज बीन लाइंग देयर फॉर 3 hours. तो अभी भी है, इज स्टिल हियर. I am writing a letter to my friend. I have been writing letters all the morning. तो ये हो गया. अब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट. वी यूज द टेंस टू शो द कम्प्लीशन और परफेक्शन ऑफ एन एक्शन बाय नाउ. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हेन द एक्शन टुक प्लेस. वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इट्स कम्प्लीशन और इट्स परफेक्ट प्रेजेंट इफेक्ट. तो इसमें क्या है प्रेजेंट परफेक्ट में, कि ये कब शुरू हुआ था
उससे अपने को लेना देना नहीं है, राइट। पर क्या है कि अपने यही देखते हैं कि अभी तो कंप्लीट हो गया है ना, उसके रिलेटेड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है वो अभी कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो अभी चल रहा है, और ये पहले से चल रहा है पर अभी कंटिन्यू है वो भी देखना है। ओके, आई हैव रिटन 3 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। तो ये क्या कह रहे हैं, अब तो खत्म हो गया है, आई हैवन्ट सीन हिम फॉर मेनी डेज। प्रेजेंट इफेक्ट क्या है कि अभी भी नहीं है, आई डोंट नो अबाउट हिम, अभी भी मुझे पता नहीं है, है ना। क्वेश्चन 1, पुट इच सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। तो आपको नीचे जो सेंटेंसेस है उसको किस फॉर्म में लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में, यानी कि हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 ING लिखना है। और ये सेंटेंस लिख के नीचे आपको आपकी रफ नोटबुक में वापिस इसके साथ सेंटेंस लिखना है। कैसे, तो फर्स्ट आई ट्राई टू लर्न म्यूजिक सिंस 2002। इसको कैसे लिखोगे, आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न म्यूजिक सिंस 2002। Look, that light burn all night. Look, that light has been burning all night. The cat sit on the wall since noon. The cat has been sitting on the wall since noon. He worked in this factory for 20 years. He has been working in this factory for 20 years. I stand here in the rain for half an hour. I have been standing here in the rain for half an hour. They dig in the garden since 9 o'clock. They have been digging in the garden since 9 o'clock. She has a headache because she read too long. She has a headache because she has been reading too long. I watched this movie for an hour but haven't liked it. I have been watching this movie for an hour but haven't liked it. Fair 9th one. She hasn't come to see us since we live in this house. She hasn't come to see us since we have been living in this house. Fear, he learned English for 10 years but can't write correctly. He has been learning English for 10 years but can't write correctly. ऐसे लिखना है। अब आगे क्या है, सेकेंड वन, यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस। तो आपको क्या करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि हैव या हैज प्लस बीन प्लस रीड V1 ING इसका यूज करके दो सेंटेंसेस को जॉइन करने हैं। ओके, कैसे करोगे, फर्स्ट वन, I began to read this book at 5 o'clock. It is 9 o'clock now and I am still reading it. तो इसको कैसे लिखोगे, I have been reading this book since 5 o'clock. I have been reading this book for 4 hours. ऐसे लिखोगे। अब next क्या है, second, it began to rain on Monday. It is Friday now and it's still raining. It has been raining since Monday. It has been raining for 5 days. She began to knit a sweater at 7:30. It is 10:30 now and she is still knitting. She has been knitting a sweater since 7:30. She has been knitting a sweater for 3 hours. ऐसे लिखेंगे ना। अब फोर्थ वन, यू began to work at 10 a.m. It's 7 p.m. now and you are still working. इसको कैसे लिखेंगे, यू हैव बीन वर्किंग सिंस 10 a.m. यू हैव बीन वर्किंग फॉर 9 आवर्स। फिफ्थ, शी began to wait for you at 5 o'clock. It is 6 o'clock now and she is still waiting. She has been waiting for you since 5 o'clock. She has been waiting for you for an hour. Sixth one, you began to learn grammar in July. It is November now and you are still learning it. You have been learning grammar since July. You have been learning grammar for 5 months. अब नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन 3, विच इज राइट। आपको बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट वन, इट इज रेनिंग ऑल डे। इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे। तो कौन सा आएगा, ये वाला, राइट, सही।
Second, I am not seeing you for a long time. I have not seen you for a long time. तो यहाँ पे है वा क्या, इसलिए ये She is reading for 2 hours. She has been reading for 2 hours. तो has been. What are you doing for a week? What have you been doing for a week? तो have आ गया. Tom is in Delhi at this moment. Tom has been in Delhi at this moment. तो इस moment की बात है, इसलिए ये आएगा. Sixth, how long are you waiting here? How long have you been waiting here? ये He is watching TV since 5 o'clock. He has been watching TV since 5 o'clock. सही ये वाला. She is not here. She has gone home. She is not here. She has been going home. तो ये simple है, इसलिए ये आएगा. I am trying to learn English these days. I have been trying to learn English these days. तो present की बात है, इसलिए ये. फिर 10th one. 10th क्या है? I have lost my book. I am looking for it all day. I have lost my book. I have been looking for it all day. तो ये आएगा. फिर you have finished your work. You can go now. You have been finishing your work. You can go now. तो ये आएगा. The referee has blown the whistle. The match has started. The referee has been blowing the whistle. The match has started. तो प्रेजेंट की बात है, इसलिए ये. तो एक्सरसाइज समझ में आ गई. आप सबको क्या करना है कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और एक्सरसाइजेस है उसको रफ नोटबुक में अच्छे से लिखना है. ओके, वंदे मातरम.